नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक 30 वर्ष के युवा हैं। सवाल थी कि शादी कब होगी, जीवन में अच्छा समय कब आएगा, कैसे आएगा, तो सारी चीज़ें हम इनके हाथ में देखने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपने जो जो नहीं पूछा है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँ। सबसे पहले आ जाते हैं आपकी रेखाओं की तरफ। देखिए, ये आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा होती है व्यक्ति की अंतरात्मा। हृदय रेखा मतलब दिल नहीं होता, पहली बार समझिए। हृदय रेखा मतलब दिल बिल्कुल नहीं होता, हृदय रेखा मतलब होता है व्यक्ति की अंतरात्मा, इंटरनल फीलिंग, साउल। तो साउल क्या कहती है, साउल देख रही है आपकी शनि पर ही रुक गई है। तो जब हृदय रेखा शनि पर रुक जाए, ये व्यक्ति को बहुत मनी माइंडेड बनाती है। व्यक्ति बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होता है। आपके सवालों से ही पता पड़ गया था कि मनी माइंडेड है, लेकिन रेखाओं भी और क्लैरिफाई कर रही है। देखिए, मैंने ऐसे लोगों में एक चीज़ देखी है, मैंने पर्सनली एक व्यक्ति देखे थे, उनके हाथ में आपके जैसी ही रेखा थी, शनि पर्वत तक रुक गई थी। वो 70 साल के थे, उन्होंने बहुत पैसा कमाया था। उन्होंने इतना पैसा कमाया और उन्होंने अपने जीवन में बहुत स्टेबल पैसा कमाया, लेकिन मैंने ये चीज़ देखी कि 70 वर्ष की उम्र में भी वो अब भी पैसा कमाने के पीछे पागल हैं, इतना मनी माइंडेड ये रेखा बनाती है। मतलब व्यक्ति बुढ़ापे में भी ये सोचता है कि और पैसा कैसे कमाया जाए, पैसे को इन्वेस्ट कैसे किया जाए, सब टाइम गुजारता है। ना ही व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा बुढ़ापा है, इसको आनंदपूर्ण कैसे बनाया जाए। व्यक्ति उस उम्र में भी ये सोचता है कि और पैसा कैसे कमा लिया जाए, पैसा कैसे ज़्यादा आएगा। कुल मिला के कहना चाहता हूँ, व्यक्ति बुढ़ापे में भी मनी माइंडेड रहता है इस रेखा की वजह से। हृदय रेखा 3 भाग में टूट गई है। हृदय रेखा जब लास्ट में 3 भाग में टूट जाए तो व्यक्ति का ससुराल पैसे वाला होता है। शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो जाता है, अगर नहीं होगा। व्यक्ति के सरकारी काम जल्दी बनते हैं, पॉलिटिकल लाभ व्यक्ति को अच्छा मिलता है। अब आते हैं आपकी मस्तिष्क रेखा पर। मस्तिष्क रेखा उत्तम है, मस्तिष्क रेखा में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ के बाद ये बहुत हल्की पड़ गई है। आप कह सकते हैं कि आप मान सकते हैं कि 50 वर्ष के बाद, जी हाँ, 50 या 48 वर्ष के बाद आपकी सोच बदलेगी। सोच में बड़ा फ़र्क आप मुझे आपकी रेखा देखकर लग रहा है कि बड़ा फ़र्क आएगा आपको। कुछ ऐसी घटना होंगी जीवन में कि आपकी सोच ही बदल जाएगी। जीवन के मॉरल वैल्यू, सोचने का तरीका, जीवन को किस तरह नज़रिए से लेते हैं, किस नज़रिए से जीवन को देखते हैं, हर चीज़ में बड़ा चेंज आपको 50 वर्ष के बाद दिख जाएगा। कुछ सडन चेंज आए, सोच बदल जाए व्यक्ति की, इस तरह की चीज़ें हाथ में प्रॉपर होती हुई मुझे दिख पा रही हैं आपके हाथ में। और देखिए आपके हाथ की जो जीवन रेखा है, जीवन रेखा पर ये ट्रायंगल बना, मैं मान सकता हूँ इसको 50 से 60 वर्ष के बीच। इस एज में आपके जीवन में प्रॉपर्टी आएगी। प्रॉपर्टी के नाम पर आप क्या लेंगे, ज़मीन जायदाद, घर, प्रॉपर्टी, सोना, क्या लेंगे, वो आपके ऊपर है। मगर 50 से 60 वर्ष के बीच में 10 सालों के बीच में इतना अच्छा पैसा तो कमा लेंगे कि आपके द्वारा आपके घर में प्रॉपर्टी का आगमन होगा, शुभ आगमन होगा, घर में लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बरसेगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं खुद ही अपनी आँखों से, बहुत ही बेहतरीन ट्रायंगल बना है इस प्रकार से। और देखिए मैं इनकी पिक्चर क्वालिटी से बड़ा ही खुश हूँ। मेरे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनकी पिक्चर क्वालिटी की वजह से एनालिसिस बिगड़ता है, लेकिन इनके हाथ में मैं क्या देख पा रहा हूँ, बहुत ही साफ फोटो भेजी गई है। कहीं भी जूम करके देख लो, हर एक चीज़ क्लियर दिख रही है। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरी उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर आप मेरे से एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो इसी तरह की पिक्चर क्वालिटी भेजें जिसमें एक एक रेखा साफ दिखे। बाकी हाथ में जीवन रेखा पर देखा जाए तो बड़ी बीमारी, बड़ी कोई दिक्कत, बड़ी कोई परेशानी के हाथ में कोई संकेत नहीं है। एक्सीडेंट के भी कोई संकेत नहीं है। छोटी मोटी चोट वोट लगना तो देखिए सबके जीवन चलती रहती है, बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जीवन में बड़ी उठापटक हाथ में नहीं दिख रही है। और मैं मान सकता हूँ कि 50 वर्ष के बाद जीवन में प्रॉपर भाग्योदय होगा। क्यों होगा, आपके जीवन में भाग्योदय, मंगल रेखा का साथ भी मिल रहा है। पहले जीवन रेखा थी, इसकी सपोर्टिव लाइन भी चली है 50 वर्ष की उम्र के बाद। तो 50 वर्ष के बाद आपके जीवन में भाग्योदय बढ़िया होगा, जीवन में तय है आपके भाग्योदय। उससे पहले थोड़ी बहुत प्रॉब्लम परेशानी आपको जीवन दे सकती है। अब देखें आपके जो गुरुदेव बृहस्पति पर जब ये रेखा होती है तो व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ करता है। व्यक्ति का कितना भी बुरा समय आ जाए, कैसा भी समय आ जाए, व्यक्ति अपने बुरे समय से डरता नहीं है, बुरे समय से लड़ता है, एक समय पर आकर संघर्ष को जीत लेता है। इवन ये रेखा जब हाथ में होती है तो व्यक्ति के पड़ोसियों को भी पता नहीं चलता कि आपका बुरा समय कब आया, कब चला गया। इस तरह की हाथ में अच्छे प्रॉपर योग मुझे दिख पा रहे हैं आपके हाथ में। शनि पर्वत बिल्कुल बढ़िया है, तो शनि की 7.5 जब ढही आएगी वो अच्छा प्रभाव देकर जाएगी। शनिदेव की विशेष कृपा आपके ऊपर रहेगी। सूर्यदेव की स्थिति देखी जाए तो सूर्य पर एक सीधी समान सूर्य रेखा है। इस प्रकार का सूर्य पर्वत होता है तो व्यक्ति के जीवन में सरकारी काम बढ़िया बन जाते हैं। दिक्कत देखिए आपके हाथ में कोई है ही नहीं, बड़ी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, छोटी छोटी प्रॉब्लम तो देखिए सबके जीवन में आती हैं।
बट बड़ी कोई जीवन उठा पटक कुछ ऐसी परेशानी दिक्कत जिसमें आपको मैं मुझे आपको पहले से ही आगाह करना पड़े ऐसी कोई दिक्कत नहीं है आपके हाथ में। जीवन बड़ा ही स्मूथ स्टेबल चलेगा जब तक जीवन रहेगा, आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं रहेगी। सूर्य पर्वत भी बढ़िया है तो उसमें भी मैं आपकी कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, इसके भी आपको नॉर्मल एवं बढ़िया फ़ायदे मिलेंगे। बुध पर्वत पर एक तो दो सीधी खड़ी लाइन है, संतान सुख देती है, संतान सुख बढ़िया मिलता है, जो संतान होती है बुढ़ापे में सेवा करती है, और कहीं ना कहीं व्यापार करके जीवन में छलावा कमा सकते हैं। व्यापार करके जीवन में आपको अच्छी सुख शांति अच्छा पैसा आते हुए दिख जाएगा। वाणी कड़वी नहीं होती, वाणी से लोगों को खुश कर पाता है ऐसा व्यक्ति, और जीवन में जो निर्णय लेने होते हैं उन्हें सही समय पर सही निर्णय लेने में व्यक्ति सक्षम होता है। हाथ में जो आपकी पिंकी फिंगर है सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंची, पहले ही छोटी पड़ गई। ये जब हाथ में समस्या होती है तो व्यक्ति को किसी भी बात का अधूरा ज्ञान घातक होता है। कोई भी चीज़ जिसका जो कोई भी चीज़ करने चले, कोई बिजनेस करने चले, कोई भी नया काम करने चले, अधूरा ज्ञान मत लेके करना, आपको नुकसान हो जाएगा। मन में बेचैनी, हड़बड़ाहट, हिचकिचाना, बातों को दबा कर रखना, इस तरह की समस्या भी आपके आपके जीवन में देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को पार्टनरशिप बिजनेस नहीं करना चाहिए। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो पार्टनर से संबंधों में खराबी जल्दी आती है, ये चीज़ होती है आपको समस्या, ये इस चीज़ की समस्या दिख रही है। और बाकी मनी का मैनेजमेंट शक्ति नहीं कर पाते, चीज़ों को भूलने की जल्दी आदत होती है, या शक्ति मैनेजमेंट मनी मैनेजमेंट की समस्या रहती है। कितना पैसा लगाना, कितना किसी को देना, कितना इन्वेस्टमेंट करना, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के अंदर ये सारी चीज़ों की जो क्षमता होती है व्यक्ति के अंदर कम आंकी गई है। व्यक्ति पैसे का इन्वेस्टमेंट करता है तो नुकसान खा जाता है। हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में कोई कार्य मत कीजिएगा, ये रेखा को करवाएगी, जल्दबाजी करवाएगी हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में। भावनाओं में बहकर किसी की बातों में आकर आप कुछ जो निर्णय लेंगे उससे आपको नुकसान होगा। ये प्रॉपर संकेत हैं आपके हाथ में इस चीज़ के। बाकी हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है तो जीवन में जो भी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो भी जीवन में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे उनको ग्रैब करके व्यक्ति आगे बढ़ जाता है अपने जीवन में। आपके हाथ का जो अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल बहुत ही उत्तम है तो शरीर बुढ़ापे तक साथ देगा। स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी जीवन में नहीं आएगी आपके जीवन में। और देखिए जो ये अंदरूनी मंगल है गुस्से का कारक होता है, गुस्से पर पूरा काबू है और फिजिकल एनर्जी शारीरिक क्षमता अच्छी रहेगी। बिना खाए पे घंटों काम कर सकते हैं, ज़्यादा काम करके थकान महसूस नहीं होती है और शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति के अंदर बहुत अच्छी पाई जाती है। अगर आपके हाथ का बाहरी मंगल देखा जाए तो बाहरी मंगल कहीं ना कहीं दिखाता है तो व्यक्ति के अंदर प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी रहती है, दबाव में अच्छा काम कर पाते हैं, व्यक्ति बुरे समय से लड़ना जानता है, संघर्ष के समय अपने आप को संभालता है, अपने परिवार को संभालता है, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। ये जब हाथ में कॉम्बिनेशन बन जाए, यहाँ से मंगल इस प्रकार घूम जाए तो व्यक्ति थोड़ा म्यूजिक लवर भी देखा गया है, गीतों को सुनना, भजन सुनना, पुराने गाने सुनना, इस तरह की आदत भी देखी गई है। जो चंद्र का हिस्सा है, चंद्र का हिस्सा बहुत उत्तम है। आपके हाथ में बेजर परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, किसी भी तरह की परेशानी दिक्कत नहीं है। देखिए चंद्र का हिस्सा जब इस प्रकार का होता है तो व्यक्ति के मन में शांति होती है। स्त्री जाति के साथ संबंध बहुत मधुर होते हैं, माता जी के साथ संबंध बड़े जीवन में बड़े मधुर रहेंगे आपके। व्यक्ति के मन में शांति होती है, इस व्यक्ति को दूध से बनी हुई वस्तु छलती है, पानी छलता है, नई चीज़ें करने का शौक व्यक्ति के अंदर देखा गया है। मानसिक शांति, भावना और कंट्रोल, व्यक्ति की भावनाएं कंट्रोल में रहती है, मानसिक शांति बनी रहती है जीवन भर। व्यक्ति बुरे समय में अपना अपानी खोता, हमेशा शांत बनाए रखता है अपने आपको, दिमाग में ठंडक रहती है। जीवन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की पूरी रेखाएं हैं। जीवन में जब भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे आपको फ़ायदा मिलेगा उन सारी चीज़ों से। लंबे समय को कहीं पैसा इन्वेस्ट करेंगे अच्छा फ़ायदा मिलेगा। देखिए कहना समझता करना नहीं, जब भी आपको मौका मिले लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करने का, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करने का, आप जीवन में जरूर कीजिएगा, आपको फ़ायदा मिलेगा इस चीज़ से। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट, गोल्ड बॉन्ड, प्रॉपर्टी, सोना चांदी, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, कहीं भी आप करेंगे आपको सुफल मिलेगा। बाकी शुक्र पर्वत अच्छा है तो ऐसे व्यक्ति को ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, इस तरह की आदतें व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। व्यक्ति सुख सुविधाओं का काफ़ी आदी होता है, सुख सुविधाओं का काफ़ी शौकीन होता है, अपने आपको संवार कर रखना, नए कपड़े पहनना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, अपने आपको मेंटेन करके रखना, इस तरह की चीज़ व्यक्ति के अंदर देखी गई हैं। ऐसे व्यक्ति फूडी भी होते हैं, अच्छा खाना व्यक्ति की आदतों में देखा गया है। और ये जब रेखा होती है तो व्यक्ति लग्जरीज का आदि होता है, लग्जरीज के लिए मेहनत करता है, समय पाकर सारी लग्जरीज चीज़ों को अपने जीवन में इंजॉय करता है, उनका भोग करता है। धन रेखा आपके हाथ में देखेंगे
तो धन रेखा हाथ में बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे किसी नॉर्मल व्यक्ति के हाथ में होती है। आपके हाथ में कोई मेजर परेशानी नहीं है और हाथ में करोड़पति वाले साइन भी नहीं है कि अरबपति के हाथ में अरबपति बन जाए। आपका जीवन इस प्रकार चलेगा, मैं आपको इस प्रकार के व्यक्ति के रूप में इमेजिन कर पाता हूँ कि सही टाइम पर शादी हो जाएगी आपकी, वैवाहिक जीवन बहुत मधुर जाएगा, फैमिली पूरी अच्छी होगी, फैमिली का पूरा सपोर्ट मिलेगा, बुढ़ापे में आपको अच्छी इनकम कर रहे होंगे, स्टेबल इनकम कर रहे होंगे, जीवन में किसी भी तरह की परेशानी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट और क्वेरी रह जाए तो आप मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ लीजिएगा। आपके पाम की हाईलाइट मैंने ये पाई कि राहु रेखा का ना होना भी अपने आप में एक राजयोग होता है। राहु रेखा है ही नहीं तो दिक्कत परेशानी किसी भी चीज़ में आपको नहीं आएगी, राहु रेखाओं के नॉर्मल प्रभाव मिलेंगे, आपको किसी भी तरह का कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपके हाथ में सब कुछ स्टेबल तरीके से, गुरु अच्छे हैं, शनि अच्छे हैं, सूर्य अच्छे हैं और बुध अच्छे हैं, दोनों मंगल बढ़िया हैं, शुक्र बढ़िया हैं, चंद्र भी बढ़िया हैं, राहु केतु भी दोनों उत्तम अवस्था में हैं। तो जॉब करें, बिजनेस करें, सब चल जाएगा आपके हाथ में। व्यापारी ज़्यादा करेंगे, देखिए ऐसे व्यक्ति को व्यापार ज़्यादा सूट करता है, तो जॉब कर रहे हैं तो एक साइड बाय साइड बिजनेस जरूर खोलें, आपको फ़ायदा मिलेगा। बाकी मनी मैनेजमेंट की थोड़ी समस्या रह सकती है, एक नेगेटिव पॉइंट ये है, उसके अलावा कोई नेगेटिव पॉइंट हाथ में है ही नहीं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सालों को जब मिल गएंगे इसके बाद। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।